हेलो बच्चों, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी का कल का गाइडलाइन हमने देखा। आप लोग बहुत बेचैन हो रहे थे कि आपको प्रमोट किया जाएगा, बहुत खुश थे आप कि हम प्रमोट हो के ही रहेंगे अब चाहे जो हो जाए, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। जबकि मैं बार बार कह रहा था कि वीडियो जो है डालना शुरू किया, आप लोग पढ़ना शुरू करिए क्योंकि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये कहावत है कि ये अपने बाप के भी सगे नहीं लोग। दिसंबर में विंटर वेकेशन, दिसंबर और जैन के बीच जो होता है, उस पीरियड में आपका जो रिमेनिंग पेपर्स, चार पेपर बचे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के चाहे सेकंड ईयर के, उस रिमेनिंग पेपर को ये लोग कराएंगे। और जो आपका नया सेशन शुरू होगा, यानी जो आपके फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में जाएंगे और सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में जा रहे हैं, इनके लिए इन्होंने कहा कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हैं, कामन ने गाइडलाइन दे दिया कि आप पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। ना कोई सिलेबस बताया, ना कुछ बताया, लेकिन जो पिछले साल सिलेबस आया वही अब हमेशा के लिए सिलेबस रहेगा। तो इस पर मैंने एक डिसीजन लिया है कि जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी ऑनलाइन क्लास लाइव। अभी तक तो मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ये बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ सब जो है डेवलप करा रहा हूँ कृष्णा कोचिंग सेंटर में अपने। वहाँ से ही मैं लाइव होकर के रेगुलर 8 से 9 सेकेंड ईयर और 9 से 10 थर्ड ईयर, ये पहली बैच हम शुरू करने जा रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में, जिसका मैसेज आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपका फर्स्ट ईयर के जो चार रिमेनिंग पेपर बचे हैं, सेकेंड ईयर के जो चार रिमेनिंग बचे हैं, इनको हम संडे संडे, जैसे बैक इम्प्रूवमेंट कभी पढ़ाया करते थे एक समय में, संडे संडे लाइव आकर के इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर क्वेश्चन आंसर करते हुए, ताकि आप ये ना करें कि आपका पिछला भी छूट रहा है उधर, क्योंकि अब तो कन्फ्यूजन हो ही गया है कि बच्चा 6 पेपर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का पढ़े कि 4 पेपर जो बचे, यानी 10 पेपरों पर आपको कमांड करना पड़ेगा। नहीं तो दिसंबर में एक पेपर है, फिर जस्ट 2-3-4 महीने बाद मार्च अप्रैल में फिर पेपर होगा, तो आदमी जो है पागल होकर के जो है टेंशन में आके पेपर छोड़ सकता है, या कई और भी चीज़ें हैं अवसाद में आ सकता है। आप देख रहे हैं कि इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर भी सुशांत सिंह एक्टर अपना सुसाइड कर लिए। अक्षय कुमार का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा कि 99% जो बच्चे आत्महत्या करते हैं वो रिजल्ट की वजह से करते हैं। तो इन सब चीज़ों, इन सब अवसाद में घर में रहते हुए, इन सब अवसाद में ना पढ़िए। लाइव क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूँ, आप कमरे में प्रयास करिए कि इकट्ठा होकर के कहीं पर अकेले बैठ करके अपना क्लास रेगुलर अटेंड करिए। मेरे ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में बहुत फ़र्क नहीं होगा। आपको मान लीजिए किताबें नहीं मिल पाती हैं, तो मैं अपने जो है उसको, उसका एक PDF डाउनलोड करा करके आपके व्हाट्सएप पे उसको भेजवा दूंगा, स्क्रीन करा करके जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। सपोज करिए इसे सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा रहा हूँ, मीन मीडियन मोड पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, या इन थर्ड ईयर वालों को इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए तो बुक की ज़रूरत नहीं। जहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होता है वहीं से बुक की ज़रूरत होती है, तो उस पर हम करेंगे क्या, उसको आपको पूरा जो है विद कंसेप्ट, जो भी किताबें यहाँ यूनिवर्सिटी में चलती हैं उसकी आपको स्क्रीनिंग हम करा करा के जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेजते रहेंगे। आप उसको आप पढ़ते रहिए घर में बैठे बैठे। स्थितियाँ जब नॉर्मल होंगी तो आप जो है अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर जब से भी नॉर्मल होंगी तब आप ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेज का जो प्रोसीजर है अभी आपके लिए, मैं बहुत प्रेशर भी नहीं डालूंगा, फाइनेंशियल प्रेशर भी, लेकिन हमारे ऊपर है, मकान मालिक का लैंडलॉर्ड का रेंट देना है, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं वो भी रहेगा, या जो परमानेंट हमारे स्टाफ वगैरह इनकी सैलरी रहेगी। तो कहने का मतलब अभी आप ज़्यादा नहीं, 1000-2000 जो भी आपके पास है उस चीज़ को आप जमा करके पढ़ते रहिए, एडवांस करके पढ़ते रहिए। और आप जो है बहुत पैसे की प्रॉब्लम में आकर के नहीं क्लास छोड़ दें, बाद में पता लगे ना सेकेंड ईयर के हुए, ना थर्ड ईयर के हुए, ना फर्स्ट ईयर के, किसी काम के नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने तो जो बैलेंस शीट आपकी बना दिया है, इस बैलेंस शीट में 100% ये कहीं ना कहीं आपको टांग पकड़ के खींचने वाली बात है। मैं तो इसका खुला जो है विरोध करता हूँ कि ये लोग बहुत गलत कर दिए हैं आप लोगों के साथ, इतना गलत किए हैं। आप 100% सपनों की दुनिया में थे कि आपका प्रमोशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन अचानक जब यूजीसी के ऊपर डिसीजन इन्होंने ले लिया, रमेश जो आपके HRD मिनिस्टर हैं, इन्होंने, रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने कह दिया था कि ये UGC या यूनिवर्सिटी के ऊपर है, यूनिवर्सिटी ने ऐसा डिसीजन ले लिया कि अब ये डिसीजन चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बदल सकती, ये आपकी योगी जी से आप आपकी अपील कराइए, ये चाहे तो डिसीजन बदल करके आपका प्रमोशन करा सकते हैं, क्योंकि एक लाइन उसमें लिखा गया है डिसीजन में कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसमें फेर बदल कर सकती, उसके ऊपर ओन डिसीजन पर है।
नहीं तो ये बहुत घटिया डिसीजन है कि एक साल में 10 पेपर बच्चे देंगे, 4 रिमेनिंग पेपर, 6 नए पेपर, तो इस वजह से तनाव तो बढ़ेगा। लेकिन इस तनाव को हम जैसे टीचर, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही इतना कर सकते हैं कि संडे संडे लाइव आकर के आपकी जो पुराना सिलेबस है, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है बचा हुआ पेपर, उसको कर पढ़ाएं, और रेगुलर जो नए आपका जो अपकमिंग सिलेबस है यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो नया सिलेबस है उसको रिवाइज करा पढ़ाते रहें, शुरुआत कर दें, ताकि आप रेगुलर टच में बने रहें और आपका क्लास भी कंप्लीट होता रहे। फाइनेंशियल प्रेशर की बात मैंने कर दिया, अगर सपोज करिए कि 10% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जैसे आज तक मेरे पास भी स्मार्टफोन नहीं है, तो कहने का मतलब इसमें यह है कि आप घर से किसी से ले लीजिए, माँ बाप का छीन लीजिए, भाई बहन से ले लीजिए, दिन भर वैसे भी आप व्यस्त रहते हैं, किसी किसी ने मोबाइल, उसको आप ले करके काम करना शुरू कर दीजिए। एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि जुलाई 1st वीक से हम आपका लाइव होकर के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की न्यू बैच शुरू करेंगे। अगस्त में जब बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का एंट्रेंस वगैरह हो जाएगा तो अगस्त के बाद फर्स्ट ईयर का भी बैच शुरू किया जाएगा। जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती है, कोचिंगों को केवल ऑनलाइन ही अलाउ किया गया, परमिशन दिया गया, तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, और आप जहां पर हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की मदद करें, ये नहीं कि संक्रमण फैलाएं, कूदने और टहलने लगे। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं सब जो है कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए, आप उसको जो है पूरी तरीके से ध्यान दें और उसका पालन करें। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप फ्रस्ट्रेशन में ना रहें, मैं आपकी क्लास बहुत जल्दी लाइव लेने वाला हूँ, सभी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें जो है तैयार हो रही हैं, जैसे ही तैयार होती है जुलाई के 1st वीक में आपको कई बार मैसेज भी जाएगा, अभी मैं फ़ोन भी करूँगा आपके पास, मैं और नीलेश सर, नीलेश दुबे जी दोनों लोग मिल करके गार्जियन से भी आपसे भी लगातार बात करूँगा, ताकि जो है आप डिस्टर्ब ज़्यादा ना रहें और एग्जाम को लेकर के बहुत परेशान ना, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे मिलजुल के, है ना। जय हिंद, जय भारत।